दोस्तों मैं आज आपको एक पैसेस किस तरह से आपको हैंडल करना है एग्जाम में। देखिए जिस तरह से आप मुझे पूछ रहे हैं बार बार कि सर पैसेस बता दीजिए किस तरह से हम उनके, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में पैसेस जरूर बनता है। यदि वो इंग्लिश से कोई भी सेक्शन पूछा जाता है तो पैसेस बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से उसे हैंडल करेंगे। क्योंकि कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है और उसके ज़रिए ही आप कम टाइम यानी अच्छी एक्यूरेसी लाना चाहते हैं कि पैसेस को बहुत कम टाइम के अंदर यदि आप अच्छा करना चाहते हैं कि 4 नंबर अपना पक्का, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ और उन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना होगा। अच्छा देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि पहले सबसे पहले जो आपको एक पैसेज दिया जाएगा उसको आपको रीड करना है बड़े केयरफुली यानी ध्यान पूर्वक उसे पढ़िए। जो भी पैसेज आपको दिया जा रहा है पेपर में उसको आप पढ़िए ध्यान से। उसके बाद क्या करना है आपको अंडरलाइन द कीवर्ड्स ऑफ पैसेज यानी कि पैसेज के अंदर जो आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। कीवर्ड्स का मतलब है कि जो आप जैसे ही पढ़ेंगे तो अलग उनका मीनिंग होगा, ठीक है। वो तो उनको आपको अंडरलाइन करते हुए जाना है यानी अपने माइंड में उसे अंडरलाइन करना है कि हाँ यहाँ पर कुछ नया कीवर्ड मुझे मिला है तो वो अंडरलाइन करना है, ठीक है, कीवर्ड को। उसके बाद है कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको नंबर वाई नंबर आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा कि आखिर में ये पूछ क्या रहा है। तो देखिए आखिर में क्या होता है कि जब आप 70% आप वही आंसर को प्राप्त कर पा लेते हैं जब आप ऊपर से पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपके माइंड में कुछ आइडिया हो जाता है कि यानी इस पैसेज के अंदर क्या पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर कहाँ पर होता है। अच्छा देखिए और दूसरी बात ये है कि जब आप क्वेश्चन को देख रहे होते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड दिया होता है और आपके माइंड में जो कीवर्ड आया है वो मैच हो जाता है यानी ये वाला कीवर्ड वहाँ पर आया है तो इसका मतलब है कि उसी एरिया में इसका आंसर होगा। देखिए वह इसमें एक यू नो एयरफोर्स की साइड पर ये पैसेज मौजूद है और उसी पैसेज को मैंने यहाँ पर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि देखो किस तरह से इन सारे हम टिप्स और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम फॉलो करेंगे और हम 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आते हैं वो हम पूरा कर लेंगे। चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पढ़िए यानी कि ये अब अपने माइंड में से एक एक लाइन लाइन पढ़ लीजिए। आपके माइंड में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें पूछा क्या गया। तो देख सकते हैं कि देख पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो यहाँ पर पॉवर्टी की बात की जा रही है तो यहाँ पर एक कीवर्ड हो गया पॉवर्टी। आई डोंट थिंक दे आर एट ऑल डिजरेबल एंड दे ऑट टू बी एब्लोज्ड, ठीक है, ये एक यहाँ पर कीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद है कि नॉर डू आई अप्रिशिएट द एसेंटिक लाइफ। देखो एसेंटिक जो लाइफ है यहाँ पर एक कीवर्ड हो जाएगा यानी कि ये कुछ अलग कहना चाह रहा है, ठीक है। एसेंटिक लाइफ का मतलब होता है कि एकांतवास की जिंदगी, जो कि जो जो साधु होते हैं सन्यासी होते हैं उनका जो जीवन होता है वो क्या होता है कि एक्सेंटिक लाइफ का जीवन होता है, ठीक है। एज अ सोशल आइडिया दो इट मे शूट इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स भी एक है। चलिए आगे देखिए, आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी इक्वलिटी सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट्स हैव ऑल्सो टू बी ट्रेंड एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल। इट वुड बी एब्सर्ड, तो यहाँ पर देखो एब्सर्ड भी कुछ कह रहा है यानी कि एब्सर्ड का मतलब होता है कि बहुत बेकार है ना, स्ली टाइप का होता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव। अब देखो यहाँ पर लव की कुछ बातचीत हो रही है तो इसका मतलब है कि स्लाइम के अंदर एक कीवर्ड मिल गया हमें सेल्फ लव। तो इस तरह से आगे आगे जब आप जब पढ़ते जाइए जो भी आपको कुछ अलग सा लग रहा है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए अपने माइंड में ताकि आपको मालूम चले कि जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि वो सारे कीवर्ड्स मिल सकते हैं। आगे देखिए कैन एंड्योर। अब एंड्योर भी थोड़ा सा अलग है। मस्ट सफरिंग और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल एंड बिहेव लाइक अ हीरो। अब हीरो भी यहाँ पर कुछ कह रहा है तो मैंने यहाँ पर हीरो को भी अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। क्राइसिस एंड टू बी इन गुड मोरल कंडीशन रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग टू, ठीक है, टू बी इन फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ भी मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से आपने किया है कि ये किसके बारे में बातचीत कर रहा है यानी कि यहाँ पर एक्सेंटिक लाइफ के बारे में वो बोलना चाह रहा है कि साधु अगर आप सन्यासी का जीवन जीते तो उनमें किन किन प्रॉब्लम्स का आपको यू नो फेस करना पड़ता है और उसने अपने यानी कि पर्सनली अपने एक्सपीरियंस को लेखक ने यहाँ पर व्यक्त किया गया। तो यहाँ पर आप देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है कि द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इट इज़, अब इसका मतलब है कि जो राइटर है वो बिल्कुल भी पॉवर्टी का प्रेज नहीं करता है, उसको डिसलाइक करता है यानी कि वो यानी कि पॉवर्टी की गरीबी की अगर कोई व्याख्या करे बहुत ज़्यादा बड़ाई करे तो राइटर जो होता है उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अब देखो इसमें ऑप्शन अब
अपने जो पैसेस हैं उसकी तरफ जाइए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में कुछ कह रहा है। देखो यहाँ पर हम जब हमने इसे पढ़ा था तो कीवर्ड हमने लिया था क्या, प्रेज ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब है कि इसी इलाके में कहीं ना कहीं इसका जवाब होगा। तो अब देखिए, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। ये खत्म हो गया। इसका मतलब है कि उसने क्या पर्सनली ये बात कही है कि भाई पॉवर्टी को प्रेज मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, तो पर्सनली उसका जवाब आया। तो ऑप्शन देख लीजिए, पर्सनल ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ द पीपल। देखो ऑल पीपल के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं की गई है, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल, तो यहाँ पर इस पीपल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। एंड ओपिनियन ऑफ द एक्सेंटिक्स, तो एक्सेंटिक्स की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक्सेंटिक लाइफ की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये इनमें तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू हुम इज द एक्सेंट्रिक लाइफ मे बी सूटेबल, यानी किसके लिए एक्सेंट्रिक लाइफ बहुत अच्छी सूटेबल होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अब राइटर ने किसके लिए कही गई है कि ये एक्सेंट्रिक लाइफ बहुत अच्छी होती है। चलो तो पढ़ लेते हैं। अब नोर आई अप्रिशिएट द एक्सेंट्रिक लाइफ एज अ सोशल आइडिया, तो इट मे शूट इंडिविजुअल। अब इसका मतलब है, देखो इसका जवाब ये रहा, यानी जो एक्सेंट्रिक लाइफ होती है ठीक है, एज अ सोशल आइडिया दो इट मे शूट इंडिविजुअल, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सेंट्रिक लाइफ है ना वो अपने, यानी इंडिविजुअल अपने अनुभव अपने अपने अनुसार वो इस बात को कह रहा है कि एक्सेंट्रिक लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू राइटर, नहीं राइटर अभी यहाँ पर राइटर तो वर्ड भी नहीं लिख रहा है, तो हम उसे क्लिक नहीं कर सकते। टू द सोशल एडवांस्ड, नहीं सोशल एडवांस्ड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। एंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ऐसी कोई बात की नहीं गई है कि मेंबर ऑफ सोसाइटी के बारे में बात किया गया हो। तो इसका जवाब क्या है, टू इंडिविजुअल्स, यानी कि टू हुम द एक्सेंट्रिक लाइफ मे बी सूटेबल। तो यहाँ पर उसने लास्ट में कह दिया है कि ये जो लाइफ है एक्सेंट्रिक लाइफ वो मेरे, यानी इंडिविजुअल तौर पर ये बिल्कुल बहुत अच्छी है। चलिए आगे हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका मतलब देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एक्सेंट्रिक लाइफ इन द पैसेज। अब जो पैसेज के अंदर ऐसी कौन सी बात कही है जिसका मतलब ये बताना चाहता है एक्सेंट्रिक लाइफ। देखो जब भी कभी इस तरह से मीन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये दिए हुए चार ऑप्शन है ना, इनको थोड़ा सा देख लेना। इनको जब आप देख लेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी। अब देखो यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो रही है, इक्वलिटी की तो यहाँ पर कोई बात की नहीं है। सिंप्लिसिटी की बात जरूर की गई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक्सेंट्रिक लाइफ सिंप्लिसिटी से कोई मतलब नहीं है ठीक है। एक्सेंट्रिक लाइफ का मतलब होता है कि मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी। मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी का मतलब होता है कि वैराग्य की स्थिति, जो जो भी व्यक्ति रहे ना अकेले रहते हैं जंगलों में रहते हैं, तो वैराग्य की जो स्थिति होती है सन्यासीपन, उसे बोलते हैं मोर्टिफिकेशन ऑफ द राइट ना बॉडी। तो यहाँ पर जो मतलब दे रखा है एक्सेंट्रिक लाइफ का वो मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देखना इसका आंसर कैसे निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड, यानी एब्सर्ड दे रखा है और उसका आपको पैसेज के अंदर एब्सर्ड का सेम मीनिंग क्या दे रखा है। तो देखो एब्सर्ड के एब्सर्ड का मतलब होता है तरह से बहुत बेकार ठीक है, रीजनेबल ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, करेजियस ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल भी नहीं है। तो इसका होता है सिली, यानी कि एब्सर्ड का मतलब ही क्या होता है, सिली यानी कि अनरीजनेबल, बात समझ रहा है, अनरीजनेबल रेडिकुलस एकदम बेकार, तो एब्सर्ड सिली। तो इस तरह से इसका जो है आपको जवाब देना था। तो दोस्तों ये एक एयरफोर्स की साइड पर मौजूद पैसेज था जो मैंने आपको बताया, और इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिए हुए पैसेज को आपको रीड करना है, उसके बाद जो भी इसमें कीवर्ड दे रखे हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनको ध्यान से आपको इन पैसेज के अंदर देखना है कि वो कीवर्ड्स जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे देखो प्रेज ऑफ पॉवर्टी ये ऊपर ही मिल गया, अब उसने बोल दिया कि पर्सनली वो इस बात को बोल रहा है, तो हमारा पर्सनल ओपिनियन हो गया था। इस तरह से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे ठीक है। तो आई होप दोस्तों इससे आपको मदद मिलेगी, और इसी तरह से आपको करना है, आपके अच्छे यानी चार में से चार नंबर पक्के आएंगे अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको बताइए कि किस तरह से आप पैसेज को कम टाइम के अंदर गुड एक्यूरेसी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।